जिला परिषद बीजेपी के पास है, ब्लॉक समिति बीजेपी के पास है, वो कहते हैं कि हमें डबल इंजन की सरकार दो। सेंटर भी था, स्टेट भी था, लोकल बॉडीज भी सभी थी, नगर पालिका भी उन्हीं के पास थी। क्या लगता है सारे इंजन फेल हो गए थे क्या? बीजेपी की बी टीम है इनेलो बसपा, आप देख लीजिए उठा करके। जब इनेलो ने वही काम किया जो बीजेपी ने, चाहे राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट गिरने की बात हो, राज्यसभा के इलेक्शन में वोट गिरने की बात हो जी, या बीजेपी कोई भी फैसला लेती है और उसका समर्थन करने की बात हो, और बसपा ने भी यूपी में या देश में वही किया है जो बीजेपी चाह रही जी। ऐसा लगने लगा है कि जैसे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की आंधी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे प्रवीण डागर, अब की बार भाजपा को चेहरा बदलना पड़ा, चेहरा बदल करके नया चेहरा ले आए। क्या लगता है इससे एंटी इनकम्बेंसी जो उनकी थी वो कुछ कम होगी या कोई फायदा नहीं होगा? नमस्कार, मेरा नाम संजय बग्गू है और देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर आपके साथ हम मौजूद हैं। लगातार आपसे बात किया करते हैं क्योंकि चुनाव का मौसम है। हरियाणा के चुनाव की इस समय गूंज पूरे हरियाणा, पूरे देश में है, न केवल हरियाणा में, पूरे देश में गूंज इसलिए है कि चाहे वो देश के गृह मंत्री हों या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, इस समय मुद्दा उठा रहे हैं कि सभाओं के अंदर पाकिस्तान के नारे लगाए गए कांग्रेस नेताओं के सभाओं के अंदर। रियलिटी क्या है, सच क्या है, अभी इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है क्योंकि वो मामला पुलिस के पास भी जा चुका है। लेकिन ये सारा मामला है क्या, और हथीन विधानसभा का चुनाव आखिर हर चुनाव में इस मुद्दे तक पहुंचता क्यों है, कुछ इन बातों को लेकर मैं चर्चा में हूं। मोहम्मद इजराइल हथीन के कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। खान साहब, आपका स्वागत है देश रोजाना पर। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इंटरव्यू लेने के लिए जो टाइम निकाला जी। हथीन की जो कांग्रेस प्रत्याशी जो मुझे बनाया पार्टी ने जी, मैं सबसे पहले पार्टी का, शीर्ष नेतृत्व का, अपने खड़गे साहब का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जी, अपने नेता राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का जी, और हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी का, मैं गोपाल जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे पर विश्वास दिखाया और जैसे ही मुझे टिकट दिया जी, और टिकट देने के बाद जो रात के 2 बजे लोग मुझे रिसीव करने पहुँचे जी, जो रात की में बढ़ती हुई बरसात में मूसलाधार बारिश में जो लोगों ने स्वागत किया उसकी बौखलाहट, और अगले दिन जब नॉमिनेशन हुआ रिकॉर्ड तोड़ भीड़ और जब रोड शो हुआ उससे जो बौखलाहट कांग्रेस उसमें बीजेपी और बीजेपी की बी टीम इनेलो बसपा में जो मची। अच्छा, बीजेपी की बी टीम है? हाँ, वो बीजेपी की बी टीम है इनेलो बसपा, आप देख लीजिए उठा करके। जब इनेलो ने वही काम किया जो बीजेपी ने, चाहे राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट गिरने की बात हो, राज्यसभा के इलेक्शन में वोट गिरने की बात हो जी, या बीजेपी कोई भी फैसला लेती है और उसका समर्थन करने की बात हो, और बसपा ने भी यूपी में या देश में वही किया है जो बीजेपी चाह रही है। वैसे तो जनाधार दोनों का खत्म हो चुका है, बसपा यूपी में जीरो हो चुकी है, देश में जीरो हो चुकी है, और इनेलो जो प्रदेश की पार्टी है वो यहाँ हरियाणा प्रदेश में जीरो हो चुकी है जी। वैसे तो जीरो को जीरो से मिला दिया जाए तो कुछ नहीं बन जी, लेकिन जहाँ इनकी बौखलाहट, जहाँ ये बीजेपी के लिए मदद करना चाहते हैं, रूपड़ा का ग्राम से निकलने के बाद इन्होंने जो हरकतें की हैं, जो उसमें नारेबाजी में जो एडिटिंग की है उसको जिन्होंने झूठ मूठ के तोड़ करके दिखाया है, जो यहाँ गलत, यहाँ नफरत फैलाना चाहते हैं जी, और यहाँ का जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, इलेक्शन में जात पात के नाम को लड़ना चाहते हैं जी, उन लोगों ने जिनकी जो भावना थी, उन्होंने जो हरकत की है उसके खिलाफ मैंने थाना उटावर SP पलवल वो शिकायत दर्ज कराई है जी, और आज 123/2024 मुकदमा उसमें दर्ज हुआ। अच्छा, उसमें FIR हुई है? उसमें दर्ज हो गई है दोषियों के खिलाफ, और हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें उसमें क्लीन चिट पुलिस से मिल चुकी है। मतलब आपको क्या लगता है कि इंटेंशन माहौल बनाया जाता है इस तरह का कि लोगों में किसी प्रकार से ये जो सारा चले अलगाव का या इस टाइप का, ये इंटेंशन होता है या बाय द वे होता है? ये बाय द वे नहीं होता, इंटेंशनली होता है जी, इनकी इंटेंशन है, और ये जगह 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 इस तरह की बात करते हैं जी। बीजेपी को खास तौर से जब इलेक्शन होता है देश के किसी हिस्से में
भैया देश में तो उस वक्त इन्हें पाकिस्तान की याद आती है। हमेशा कभी आप देख लीजिए पाकिस्तान की जब इन्हें याद आती है तो जब इन्हें कुछ न कुछ ये इनकी भावना ऐसी होती है कुछ न कुछ करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने आज हतीन की जो सीट पे कांग्रेस की तरफा जीत है, जहां ऐसा लगने लगा है कि जैसे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की आंधी चल रही है, हवा चल रही है, हतीन में भी इसी तरह से कांग्रेस पार्टी की। और मेरे वालिद साहब जो यहाँ 2005 से 2014 जी एमएलए रहे, नुमाइंदगी करी, लोगों के काम किए जी, विकास काम किए, लोगों को सरकार में रोजगार मिला, यहाँ जो काम हुए चाहे वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो, चाहे यहाँ सिविल सेक्रेटरी बनाने की बात हो, तालीम के लिए कॉलेज बनाने की बात हो, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बनाने की बात हो, शहर में फायर ब्रिगेड बनाने की बात हो, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए सड़कें जोड़ने की बात हो, मान सम्मान की बात हो, जो उस वक्त इन्हें मिला, उसके बाद में 10 साल में बीजेपी के राज ने कुछ कामयाब हुआ नहीं और लोग बड़े तंग रहे। आज पीने के पानी की ऐसी दिक्कत है, उठावट जैसे गांव में 4 लाख से लेकर 5 लाख तक के डेली प्रतिदिन टैंकरों से पानी मिल रहा, मतलब पानी पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है। ऐसे कितने गांव खेत के पानी की दिक्कत ये है कि आज नहरों में पानी नहीं है, और मंडगोला के आसपास जो 20 गांव है वहाँ ये दिक्कत है कि वहाँ खेतों में पानी भरा पड़ा है, वहाँ की फ्लड सैम के पानी से वो खेत मतलब बंजर हो चुके हैं। ये सारी जो समस्या रही है और यहाँ लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला, कोई विकास नहीं मिला 10 साल से जो, और महंगाई ने कमर तोड़ दी। जी साहब मैं हथीन पे एक बार दोबारा आता हूँ, मैं आपसे उसी मुद्दे पर चलता हूँ। जब भी चुनाव होता है खासकर हथीन में, 2014 का चुनाव हुआ यहाँ कोशिश हुई इस टाइप का दंगा भड़काने की जी, 2019 का चुनाव हुआ उससे पहले भी ऐसा माहौल बनाने की बात आई, 2024 का चुनाव हो रहा है फिर एक बार वही माहौल बनने की बात है। कितने लोग आपको लगता है हथीन के अंदर ऐसे हैं जो इस प्रकार की शरारतें करते हैं? मैं शरारत कहूँगा, हाँ ये शरारत है और इस तरह नहीं करनी चाहिए, ये नफरत की राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस तरह की राजनीति जो बीजेपी करती है। 2014 से पहले कभी यहाँ इस तरह के मामलात आए नहीं हथीन में, भाईचारे में और शांति सद्भाव के लिए हथीन हमेशा कायम रहा। 2014 में जब बीजेपी खड़ी हुई और बीजेपी की सरकार बनी, वो जो इलेक्शन हुआ उसमें उस वक्त ये ऐसे हालात पैदा हुए थे जब भाई से भाई को लड़ा दिया और इलेक्शन में इस तरह की बात ली, और वो उसके बाद में अब फिर अब 2019 में ये जात पात की बात रही, और अब 2024 में इस तरह के नारे दिखा करके डिलीट कर करके ये एक समुदाय से खा जाते, विशेष समुदाय से जहाँ यहाँ 56% हिंदू समुदाय के लोग हैं समाज के हैं और 44% के आसपास या मुस्लिम समाज के, उसमें ये बात जात पात फैला करके ये वोट लेने के लिए सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इस तरह का हरकत जो हुई है ये वोट के लिए कर रहे हैं। क्या ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान से देश की आवाम डरता है कि या ये नेता डरते हैं, पॉलिटिशियन जो पाकिस्तान की बात लाते हैं हर चुनाव के अंदर? ये नेता डरते हैं पाकिस्तान से, बीजेपी वाले डरे ना डरे देखो जी बात ऐसी है, लेकिन पाकिस्तान के नाम पर जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग मुल्क हो गया, हिंदुस्तान अलग मुल्क, हिंदुस्तान के जो हमारे हथीन वासी जो खास तौर से जो कांग्रेस में जो विश्वास रखते हैं वो देश प्रेमी हैं और शांति चाहते हैं। जो बीजेपी में जो काम कर रहे हैं आप पिछले इतिहास जब आज़ादी से उठा के देखेंगे तो उन्होंने इस तरह की बातमालात हुई है देश की आज़ादी में, उनका क्या योगदान रहा है आप सबको पता है। आज वो नफरत फैला करके जात पात की बात कर करके सत्ता हथियाना चाहते हैं, लेकिन हथीन की जनता जाग चुकी है, हथीन की जनता कांग्रेस के साथ है और बीजेपी को पकड़ना चाहती है। देश के गृह मंत्री से लेकर के और तमाम नेताओं ने इस बात को कहा, आपको क्या लगता है इसका कोई असर जाएगा लोगों पर या लोग समझ चुके हैं सब कुछ? देखिए देश के गृह मंत्री जी ने अपनी बात जगह जगह कही, मैंने भी देखा उसे, लेकिन देश के गृह मंत्री जी के दिमाग में एक बात है कि यहाँ कोई असर जाएगा इस तरह का, लेकिन देश के गृह मंत्री जी को यह असर ये पता नहीं है। हथीन की जो जनता है आज हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो बीजेपी को भगाना चाहती है, कांग्रेस को लाना चाहती है, इन बातों से कोई असर नहीं पड़ेगा। अमित शाह जी ने जो ये बयान अपना दिया है, ये भाषण जो दिया है, इस उन्हें लगता होगा इस बात से उन्हें फायदा होगा। 5 तारीख को
आने वाला जो इलेक्शन है उसमें इस बात से कोई फायदा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। और 8 तारीख को पता लग जाएगा रिकॉर्ड तोड़ मत से या 3 भी जीत के जाएगी और रिकॉर्ड तोड़ सीट यहाँ 2/3 से कहीं ज्यादा, यहाँ हरियाणा में कांग्रेस सीट जीत करके सरकार बनाएगी। चलिए अब हथीन पे आते हैं, जिस रोड पे हम चल रहे हैं जय साहब, ये प्रमुख मार्ग है, उटावड़ बड़ा गांव है, शहीदों का गांव है, हथीन एक बड़ा कस्बा है और विधानसभा क्षेत्र का हेडक्वार्टर है आपका हथीन। हथीन से उटावड़ हम चल रहे हैं, रोड पर हैं, आप ये कह रहे हैं आपके वालिद साहब के टाइम कोट, आप कह रहे हथीन से कोट की रोड है, आप कह रहे थे कोट आपका अपना गाँव है। कोट मेरा अपना गांव है, पैतृक गांव है मेरा, उसमें मैं पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हुआ हूँ जी। और जिस रोड पर हथीन से हम चल रहे हैं कोट के लिए, ये रोड बल्कि मेरी जो जमीन है, हम किसान हैं, जमीन भी इसी रोड पे मीठा गांव में लगती है। इस रोड पे जो आप खड्डे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बीजेपी के फेलियर होने के कारण है। 10 साल पहले आप कह रहे हैं आपके वालिद साहब ने बहुत काम करवाए थे, तो ये उस काम को भी नहीं संभाल पाए या फिर नए काम हुए नहीं? जो उस वक्त जो काम हुए थे ये उन कामों को भी संभाल नहीं पाए, उन कामों की भी मेंटेन न हुई। आज आप देखिए अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में गीगड़ा का से लेके जहाँ कॉलेज बना हुआ एक रास्ता है जिसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 20 फुट के आसपास है, वो रास्ता जहाँ हमने छोड़ा था वो रास्ता आज तक कॉलेज हमारे बच्चे आसानी से वहाँ सुख सुविधा उन्हें मिल सके, रास्ते में ठीक से जा सके, आप देख सकते हैं उस रास्ते को ऐसे ही छोड़ा हुआ है। और जहाँ मेंटेनेंस की बात है, जो कुछ बनाया था उस वक्त इनसे आप हर बिल्डिंग का हर रख रखाव के कोई रख रखाव नहीं है इनका, और बल्कि मेंटेनेंस भी नहीं की, नया काम तो हुआ ही नहीं है। हथीन में पिछला MLA जो थे इंडियन नेशनल लोकदल के थे, समर्थन उन्होंने बाद में बीजेपी को दे दिया। आजकल जो MLA हैं जो रहे निवर्तमान हो गए, अब तो विधानसभा भंग हो गई है, प्रवीण डागर वो बीजेपी के MLA थे, जिला परिषद बीजेपी के पास है, ब्लॉक समिति बीजेपी के पास है, वो कहते हैं कि हमें डबल इंजन की सरकार दो, सेंटर भी था, स्टेट भी था, लोकल बॉडीज भी सभी थी, नगर पालिका भी उन्हीं के पास थी। क्या लगता है सारे इंजन फेल हो गए थे क्या? ऊपर से लेके नीचे तक सरकार, नगर पालिका से लेके या पंचायत डिपो से लेके सेंटर तक सरकार बीजेपी की रही है। बीजेपी ने 10 साल राज किया है और पिछले 5 साल में बीजेपी का विधायक भाई हमारे प्रवीण जी रहे हैं, लेकिन काम की विकास की बात करें तो विकास के नाम पे यहाँ कुछ हुआ नहीं, ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसे हमारे भाई कह सकेंगे ये काम मैंने हथीन में कराया है, ये हथीन की जनता के जा करके बता सके। मैं जाति विशेष की कभी बात नहीं करता, व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता जी, लेकिन बीजेपी सरकार ने जो कुछ किया है हथीन में वो जनता के सामने, और जनता समझ चुकी है एक बीजेपी सरकार सिर्फ जात पात की बात कर करके भाई से भाई को लड़ाना चाहती है और जात पात के नाम पर वोट लेकर के सत्य हत्याने चाहती है। इसलिए सब लोग यह समझ चुके हैं 10 साल में जो यहाँ सारे विकास के काम जो रुके, विकास के रुके, मान सम्मान उन्हें नहीं मिला, रोजगार उन्हें नहीं मिला, इसलिए वो समझ चुके हैं कि बीजेपी को भगाना चाहिए, कांग्रेस को भगाना चाहिए। अब जनता मन बना चुकी है हरियाणा में भी हथीन में भी। दो प्रमुख बातें और अंतिम करूंगा आपसे, एक तो ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे प्रवीण डागर जी, अब की बार भाजपा को चेहरा बदलना पड़ा, चेहरा बदल करके नया चेहरा ले आई, क्या लगता है इससे एंटी इनकम्बेंसी जो उनकी थी वो कुछ कम होगी या कोई फायदा नहीं होगा? बीजेपी समझती है चेहरे बदलने से जो तुम्हारे जो सरकार में फेलियर होने के जो कारण है एंटी इनकम्बेंसी वो रुक जाएगी, और जनता किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, जनता बीजेपी के खिलाफ है। सर इन्होंने कैंडिडेट बदला, चुनाव की तारीख बदली जी, अब जनता ये मन बना चुकी है कि ये जनता इन्हें बदल देगी, इनको ही बदल देगी। अच्छा, मतलब जनता आप कहते हैं कि जनता का मन है कि ये बहुत बदल चुके हैं, इन्हें बदल दें। अंतिम सवाल, आपका जो हथीन विधानसभा क्षेत्र है खास कर ये, या मनरेगा के नाम पर और तमाम जो ग्रामीण योजनाएं आती हैं सरकार की, उनको लेकर के बड़े आरोप लगे पिछले टर्म के अंदर, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, FIR हुई, पुलिस में मामले गए सारे,
जांच चल रही है उनकी। अब तक जिला परिषद के चेयरमैन हैं आजकल, जो उनके पति को टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी का, मनोज रावत को, उन पर भी पिछले दिनों जिला परिषद के कुछ सदस्यों ने आरोप लगाई। क्या लगता है ये सब कुछ है क्या आखिर? देखिए, जहाँ तक हमारे जिला प्रमुख के पति आज भाजपा के प्रत्याशी हैं और जिला प्रमुख पे लोगों ने या सरकार की तरफ से भी मनरेगा का करोड़ों रुपए का घोटाले का आरोप लगा और अभी उसकी सरकार ने इंक्वायरी भी नहीं करी जी, और अंडर इंक्वायरी मामलात हैं। आरोपों में जिला प्रमुख की घिरे हुई हैं उनके पति इलेक्शन लड़ने चाह रहे हैं, जनता जानती है, और जनता को पता कि भाई जो इन्होंने बेईमानी करी इसमें सरकार छानबीन कर रही है, छानबीन के बाद उन्हें जरूर कुछ ना कुछ सरकार की सजा, और हमारी सरकार आएगी, हम गहनता से जांच कराएंगे और गहनता से जांच करे सरकार ने जो ये जिला प्रमुख ने जो ये आरोप जिसके ऊपर है और जो इन्होंने आरोप किया जिन्होंने ये बेईमानी करी है उसको उजागर करेंगे। चलिए, किससे मान रहे हैं चुनाव में मुकाबला अंतिम सवाल है? बिल्कुल देखो जी, हतीन की जनता के जोश और प्यार प्रेम जो मिल रहा है, जनता जो इलेक्शन खुद लड़ रही है कांग्रेस का आप देख रहे हैं, उससे तो ये पता लगता है कि बीजेपी नंबर दो पे रहेगी लेकिन कम से भी कम 35,000 पीछे बीजेपी रहेगी। इसलिए मुकाबला तो है ही नहीं है हतीन में, लेकिन बीजेपी नंबर दो पर है और बाकी जो वोट काटू पार्टी जो बीजेपी की मदद करना चाहती है वो अपनी जमानत हो खुद। तो ये थे मोहम्मद इसराइल जो बता रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है, और वाकई जब जनता चुनाव लड़ती है तो फिर वो चुनाव अलग हुआ करते हैं। हथीन विधानसभा में आज हम पूरा दिन रहेंगे और आपको हथीन का आज को हाल बताएंगे, लोगों से बात भी कराएंगे, मतदाता का मूड क्या है वो भी बताएंगे। इसराइल जी, अभी के लिए इतना ही, और आपको हमारी तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं कि आपका चुनाव सफल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।